तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं दोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। दुनिया भर में अब तक 22.97 करोड़ लोग कोरोना महामारी से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 3.35 करोड़ लोग भारत से हैं। कोरोना मामले में एक बार फिर कमी देखी गई है। 5 दिनों बाद 30,000 से कम कोरोना मामले सामने आए हैं। मंगलवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ताज़ा आंकड़ा जारी किया गया। मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 26,115 नए कोरोना केस आए और 252 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई। वहीं 34,469 लोगों को कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी 8,606 एक्टिव केस कम हो गए। कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 3,35,04,000 लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें से 4,45,385 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि अब तक 3,27,49,000 लोग ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 4,00,000 से कम हो चुकी है। कुल 3,09,557 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। केरल में कोरोना वायरस संक्रमण के 15,692 नए मामले सामने भी आए हैं, जबकि संक्रमण से प्रदेश में 92 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही प्रदेश के संक्रमितों की कुल संख्या 45,24,185 जबकि मरने वालों की संख्या 23,683 हो गई है। प्रदेश में संक्रमितों से ठीक होने वाले की संख्या 22,223 थी, जिसके बाद राज्य अब तक संक्रमण मुक्त हो चुके लोगों की संख्या 43,32,897 पर पहुंच चुकी है। नए मामलों में 64 संक्रमित स्वास्थ्य कर्मी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया 20 सितंबर तक देश भर में 81,85,13,000 कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 96.46 लाख टीके भी लगवा चुके हैं। वहीं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार अब तक करीब 55.46 करोड़ कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन 12,00,000 कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट 3% से कम रहा। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.33% है, जबकि रिकवरी रेट 97.72% है।